का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम आपको रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए IPL 2022 के मुकाबले की पूरी हाईलाइट बताएंगे। दोस्तों, ये तो बताएंगे ही इस वीडियो में आगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स या रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जल्दी से आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच IPL का मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, आपको बता दें कि IPL 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स काफी खराब फॉर्म में है। चेन्नई सुपर किंग्स के IPL 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी रविंद्र जडेजा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी सौंप दी थी, जिसके बाद धोनी ने पिछला मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को मैच जिताया भी था। इस मुकाबले की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता देने के बाद विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस मैदान पे आए। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों ने अच्छा पारी शुरुआत की, लेकिन और ऐसा भी लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज शानदार स्कोर बनाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 30 रन के स्कोर पे विराट कोहली पवेलियन लौट गए, जबकि फाफ डु प्लेसिस 38 रन बना के पवेलियन लौटे। वहीं दोस्तों, अगर मैक्सवेल की बात करें तो मैक्सवेल सिर्फ 3 रन ही बना पाए। वहीं मणिपाल लोमरो ने इस मुकाबले में 42 रनों की पारी खेली। वहीं आर पाटीदार ने 21 रन बनाए, जबकि दिनेश कार्तिक ने अंत में आगे 26 रनों का योगदान दिया, जिसके वजह से ही रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने CSK के सामने 174 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि 20 ओवर के अंत में 8 विकेट खो के RCB ने 173 रन बनाए और CSK के सामने 174 रनों का स्कोर रखा। जब दोस्तों, अगर हम CSK के बॉलिंग की बात करें तो M तिकसाना को 3 सफलता मिली, जबकि मोइन अली को 2 सफलता मिली। वहीं डी प्रेटोरियस को भी 1 सफलता हाथ लगी। दोस्तों, आपको बता दें कि 174 रनों का पीछा करने उतरी CSK की ओपनिंग भी अच्छा हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छा पारी खेला, और दोस्तों आपको बता दें इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ से उनके फैंस को उम्मीद थी कि वो लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 28 रन बना के पवेलियन लौट गए। डी कॉनवे ने इस मुकाबले में 56 रनों की पारी खेली, जबकि दोस्तों रॉबिन उत्पा सिर्फ 1 रन बना के पवेलियन लौट गए। वही अंबाती राडू 10 रन बना पाए। तो दोस्तों, आपको बता दें काफी रोमांचक मुकाबले में CSK को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था।